आज सावन की शिवरात्रि है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। हर तरफ बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। धार्मिक मान्यता है कि आज महादेव की विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सावन माह की शिवरात्रि पर भगवान शिव को भांग और धतूरा जरूर अर्पित करें, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। तो आज के दिन पूजा कैसे करनी है, विधि क्या हो, वो भी आपको हम बता रहे हैं। तिल जौ अक्षत लेकर आप पूजा कर सकते हैं। 108 बार शिव मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं और जलाभिषेक के साथ साथ दुग्धाभिषेक भी आप कर सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आज के दिन शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो भोले बाबा के भक्तों का उत्साह आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है। सावन की शिवरात्रि पर भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए, भांग धतूरा अर्पित करने के लिए लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही हैं और हर मनोकामना पूरी होगी, ऐसी मान्यता है। अगर आज के दिन आप शिव को प्रसन्न करते हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद लेने मंदिरों में आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। और कई ऐसे कांवड़िए भी हैं जो जल लेकर आज के दिन जल अर्पित कर रहे हैं अपने अपने गंतव्य में पहुंचकर। ये तीन तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको हम दिखा रखे हैं, वाराणसी, लखनऊ और हरिद्वार की। तीनों जगहों पर आप देखिए भोले बाबा के भक्तों का उत्साह चरम पर है। आज सावन की शिवरात्रि, ऐसे में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा पाठ आज के दिन शिव भक्त कर रहे हैं। तो शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों के साथ, इस गूंज के साथ भक्त पहुंच रहे हैं। सावन की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में शिवरात्रि के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सजे हुए कांवड़, बोल बम की गूंज, हर तरफ हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आप अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें हैं। कांवड़ यात्रा भी चल रही है। ऐसे में सावन की शिवरात्रि वाले दिन काफी उत्साहित शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं और बम बम बोले की जयकारों के साथ शिवालयों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखी गई। ये आपको काशी की तस्वीरें, वाराणसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आई। चलिए सीधा रुख करते हैं अलग अलग जगहों से। हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव सिंह जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उपेंद्र द्विवेदी काशी से, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से जुड़े हुए हैं, पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उपेंद्र का रुख करते हैं, काशी में मौजूद है उपेंद्र। जरा दिखाइए उपेंद्र, रौनक किस तरह की है आज भोले बाबा की नगरी में, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है। बिल्कुल, देखिए आज सावन की शिवरात्रि है और शिव की भक्ति के अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। या आपको शिव चौथरपा आज केसरिया दिखाई दे रहा है। और महादेव, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सिंगरौली से। चंदौली से तो दर्शन होगा ना बाबा के? हाँ, बाबा के दर्शन के बाद। कवन गजड़िया गजा दिहला से रे हम भोला बाबूराई बोल बाबू। हाँ, तो ये देखिए अलग अलग लोग कुछ और भी आए। कहाँ से आए आप लोग? सिंगरौली से। कितने लोग आए आप? कहाँ से आई बताइए? कहाँ से आए हो काकी? सिंगरौली। चंदौली, दर्शन हो गए बाबा के? बढ़िया से। तो बाबा कुछ भजन सुनाई दे बा। बाबा का भजन सुना था बाबा? कोई भजन सुना था शिव जी के? कोई सुंदर है बाबा ना। हाँ, सुंदर बाबा है। हाँ, बाबा के भजन सुना था आज? कुछ आज बाबा के हल्दी लगा लो ना आज बाबा के, आज शिवरात्रि हो। बहुत सुंदर बाबा का भजन। हाँ, सुनाइए। सुनाओ ना। सब ठीक है बाबा नाथ की नगरी?
बाबा के साथ सब ठीक है। तो आप भी देखिए लगातार जो भीड़ है वो आ रही है, आप लोग के दर्शन हो गए बाबा? महाराष्ट्र से। हाँ, बढ़िया दर्शन हो गए? हाँ, बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के। देखिए लगातार दर्शन हो गए बाबा के? एकदम बहुत। कहाँ से आए बाबा? मैं असम से आया हूँ। असम से जी। तो कितना महत्व होता है सावन की शिवरात्रि जब बाबा का दर्शन हो जाता है? देखिए उनकी कृपा से हमारा ये मानना है कि हमारे सनातन धर्म में उनके हिसाब से पूरा हम संसार करता धरता वही है, तो उनकी इच्छा से ही आ पाता है, सबके तो नसीब में होता है। तो संसार भार हरनम कहते हैं उनको, पूरे संसार का भार हरते हैं। तो आ गए हैं आप, दर्शन हो गए? बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे दर्शन हैं। लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से जी। तो कब चले थे आप और दर्शन कितने आराम से हो गए? आराम से दर्शन, अच्छे से दर्शन, बहुत अच्छी तरीके से। बोलो हर हर महादेव। बिल्कुल, तो भोले बाबा की नगरी काशी की रौनक आपने देख ली। और अब आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर कांवड़िए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं गंगा जल लेने के लिए। पुलकित, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाइएगा, किस तरह का उत्साह है शिव भक्तों में आज सावन की शिवरात्रि के दिन। लगता है पुलकित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरठ अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, जरा दिखाइएगा मेरठ के कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और आज सावन की शिवरात्रि की धूम कैसी है? उमेश, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, देखिए हरहोर हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युमूर्छय मामृतात्, ऐसे ही मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहे हैं। हम इस वक्त उस क्षेत्र में मौजूद हैं जिसे कुछ ही दूरी पर औघड़नाथ मंदिर है, और औघड़नाथ मंदिर की छटा तो निराली दिखती है। जहां जहां तक निगाह जाती है वहां वहां तक कांवड़ियों का जन समुद्र नजर आ रहा है। हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए हर हर महादेव का जय घोष। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। क्या कहेंगे, आज कितना शुभ दिन है। आज आप कांवड़ लेकर के खड़े हुए हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो आज बहुत खुशी का क्षण है। बहुत खुशी का दिन है और ये हमारा एक सौभाग्य है जो हमें हर सावन ये गंगा जी से हरिद्वार जाते हैं और गंगा जी कांवड़ लाते हैं भोले की नगरी से। काफी अच्छा लगता है और देखिए बिल्कुल आनंद भरे रूप से हम आए हैं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। बहुत आनंद का क्षण है, बहुत खुशी का क्षण है, और आज बाबा हर इच्छा पूर्ण करेंगे, हर मनौती पूर्ण करेंगे। जो भी आप मांगेंगे बाबा आशीर्वाद देंगे, जो भी मांगते हैं अवश्य पूर्ण होता है। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर लोग कांवड़ लेकर के चले आ रहे हैं, रंग बिरंगी कांवड़ लेकर के चले आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियां कांवड़ियों के सैलाब से, कांवड़ियों के जन समुद्र से ही भरी पड़ी है, और जहां जहां तक निगाह जा रही है सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों का जन समुद्र ही नजर आ रहा है। कांधे पर कांवड़ है, जुबा पर ओंकारा का जयकारा है, हर हर महादेव का उद्घोष है। आप इस कांवड़ को देखिए और कांवड़िये के उत्साह को, इनकी आस्था को महसूस कीजिए। भोले से बात करेंगे, भोले क्या कहेंगे, आप हरिद्वार से चले आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुशी का लम्हा है कि आज सावन की शिवरात्रि आ गई, आज बाबा हर महादेव हर इच्छा पूर्ण करेंगे? हाँ जी जरूर। क्या कहेंगे आप, बहुत खुशी हैं, बहुत खुशी। आज सावन की शिवरात्रि है, आपके कांवड़ बहुत खूबसूरत है, कांवड़ को दिखाइए कितनी खूबसूरत कांवड़ है, और ये सभी कांवड़िए कदम दर कदम नंगे पैर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। क्या कहेंगे, आज महादेव हर इच्छा पूर्ण करेंगे, सावन की शिवरात्रि। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। आप क्या कहेंगे, आप भी जो है यहाँ पर लगातार कांवड़ लिए हुए हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाने के लिए चले आ रहे हैं, आज इच्छा सारी पूर्ण हो जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। कितने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की आपने? 185 किलोमीटर। 185 किलोमीटर की यात्रा की, आप देखिए इस तरह से पैर जवाब दे रहे हैं। तो देखिए लगातार उमेश हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हमारे एक अन्य सहयोगी हैं, उनके पास चलते हैं। लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कौन से शिव मंदिर में आप मौजूद हैं, सावन की शिवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है?
इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही जो शिव भक्त हैं वो लगातार इस मंदिर में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सावन का पवित्र मास पहले से ही चल रहा है और आज क्योंकि सावन की शिवरात्रि है जिसका खास महत्व तो रहता है, और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो शिव भक्त हैं वो लगातार विभिन्न शिव मंदिरों में पहुँच कर भोलेनाथ को मनाने की आराधना करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि आज के दिन की को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये भी है, ये माना जाता है कि आज के दिन भगवान ने जो समुद्र मंथन हुआ था भोलेनाथ ने उससे निकले विष को पिया था, जिसके बाद उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया था, जिसके बाद सभी देवताओं ने उन पर जलाभिषेक किया था और उसी को लेकर तब से आज तक जो है जलाभिषेक शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जिनसे हम बात करेंगे। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। आज तो समझ लीजिए सावन की शिवरात्रि है, माँ शिवरात्रि सावन वाली, इसीलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं शिव जी के। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। तो हम आपको पास से चलेंगे, दिखाएंगे और यहाँ पर दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से जो यहाँ पर पूजा अर्चना का क्रम है वो लगातार जारी है और लगातार जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त से लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। पंडित जी, आज का कितना महत्व है, आज सावन की शिवरात्रि? आज का महत्व बहुत है और शिवरात्रि पड़ रही है सावन में, इससे अच्छा कोई सुबह बिल्कुल नहीं। काफी महत्व है आज के दिन का और आज के दिन शिव भक्त बहुत बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हरिद्वार भी शिव भक्त पहुंचते हैं गंगा जल लेने के लिए। पुलकित हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। पुलकित, जरा दिखाइए आज के दिन हरिद्वार में कैसी है रौनक? जी, हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव और दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जो छटा है वो अलग ही देखने के लिए मिल रही है भक्तों की। शुरू में दिखाना चाहूंगा कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी लाइन यहाँ पर लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर यही सिलसिला जारी है भक्तों के पहुंचने का और लगातार जो लोग हैं वो अपनी अपनी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अंदर मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और व्यवस्थित रूप से यहाँ पर मंदिर में लोग दर्शन करते रहे, उसके लिए पुलिस की जवानों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करें तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार का कंकल स्थित एक पौराणिक मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ऐसी लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के पूरे एक महीने इसी जगह पर विराजते हैं और यहीं से जो है भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोग जो हरिद्वार के अक्सर यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि जो कांवड़िए शिवभक्त कांवड़िए भी दूसरी जगहों से दूसरे जिलों से हरिद्वार में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, वो भी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ से पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, कहाँ से आए? बोले आप कांवड़ लेने आप यहाँ पर पहुंचे हुए, आप दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आए हैं, क्या इसकी महिमा है, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या सुना है? तो काफी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शिव भक्त आज दर्शन करने के लिए। दक्षेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हमारे सहयोगी पुलकित लगातार दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे।